नमस्कार बच्चों, मैं शिव कुमार सिंह आज आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ट्रिक बताने जा रहा हूँ। और ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है इसको आप याद रखें कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं या इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होता है इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 28 होते हैं। अब ये जो 28 एलिमेंट्स होते हैं उसमें 14 एलिमेंट्स 4F सीरीज एलिमेंट्स में कहलाते हैं और 14 एलिमेंट्स जो होते हैं 5F सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं। 4F सीरीज के एलिमेंट्स को हम लोग लैंथेनॉइड्स कहते हैं, और लैंथेनॉइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो लैंथेनम के बाद आता है और उसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। और 5F सीरीज के एलिमेंट्स को हम लोग एक्टिनॉइड्स कहते हैं क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद इसका एलिमेंट्स स्टार्ट होता है। अब आपको ध्यान में रखना है 4F सीरीज जो एलिमेंट्स होते हैं इसका ग्रुप 3 या 3rd भी होता है और पीरियड होता है 6। और 5F सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं इसका ग्रुप होता है 3rd, दैट मीन्स 3rd भी, और इसका पीरियड होता है 7। तो आप इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स हैं 4F सीरीज के एलिमेंट्स और 5F सीरीज के एलिमेंट्स उसको कैसे याद रख सकते हैं। तो हम लोग देखें 4F सीरीज का पहला एलिमेंट जो है सेरियम है। अब इसमें आप देखेंगे कि सेरियम का सिंबल सी, एटॉमिक नंबर 58, और इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे सी ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिजिडियोमियम जो होता है इसका सिंबल होता है पी आर, और ये आपका एटॉमिक नंबर 59, और इसके लिए याद रखना है पर। इसी तरह से अब हम लोग देखते हैं ये जो नियोडीमियम है इसका सिंबल एनडी 60, नदिया प्रोमेंथियम पीएम 61, प्रेम की सेमेरियम एसएम 62, समाई यूरोपियम एयू 63, यू गैडोलिनियम इसका सिंबल जेडी आपका एटॉमिक नंबर 64, और इसके लिए आप याद रखें गडगर। आगे देखते हैं लोग टर्बियम के लिए सिंबल टीबी 65 एटॉमिक नंबर, तब इसका याद रखने का तरीका। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्पोसियम डीवाई 66, दिल होलमियम एचओ 67 हुआ, अर्बियम ईआर 68 अरे, थुलियम टीएम 69 तुम तो, आइड्रबियम बाई बी 70 यू ही, और ल्यूटेशियम ये आपको एलयू 71, और इसके लिए याद रखेंगे लाजवाब हो। तो ये आप याद रखेंगे लास्ट एलिमेंट आपका इसमें जो है वो आपका ल्यूटेशियम है और इसका फर्स्ट एलिमेंट वो सेरियम था। बच्चों अगर ये आपको डायरेक्ट आप मतलब के याद रखना चाहे एक साथ चार मतलब कि 14 एलिमेंट्स को, तो आप याद रख सकते हैं सीने पर नदियां प्रेम की समाई यू गदगद तब दिल हुआ अरे तुम तो यू ही लाजवाब हो। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, प्रेम की भाषा आप लोग सब समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5F सीरीज एलिमेंट्स को। इसका पहला एलिमेंट जो होता है वो थोरियम और जो लास्ट एलिमेंट होता है वो लॉरेंसियम। ये आपको जो थोरियम है ये आपका इसका सिंबल होता है टीएच एटॉमिक नंबर 90, और इसके लिए याद रखेंगे टांगे। उसी तरह से प्रोटेक्टिनियम सिंबल पीए 91, पर यूरेनियम के लिए यू सिंबल 92, उनसे नेपच्यूनियम एनपी 93 नजरे, प्लूटोनियम 94 बड़े, अमेरिकियम आसमा याद रखेंगे इसका एटॉमिक नंबर 95, कुरियम सिंबल सीएम 96 एटॉमिक नंबर, इसके लिए याद रखना है सिंटा। उसके बाद आपको बर्केलियम बीके 97 वादल, कैलिफोर्नियम सीएफ 98 चमका, आइंस्टीनियम एएस 99 एहसान, फर्मियम एफएम एटॉमिक नंबर 100, और इसके लिए आप रखेंगे फ्रामोस। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि एटॉमिक नंबर 100 वाला कौन सा एलिमेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार। उसके बाद अगला जो एलिमेंट है मेंडेलियम है सिंबल एमडी एटॉमिक नंबर 101, इसके लिए मंचली, और आपको नोवेलियम है जिसका सिंबल होता है एनओ 102 इसका एटॉमिक नंबर, इसके लिए निकली, और एलआर जो लास्ट एलिमेंट है 5F सीरीज का जिसके लिए याद रखेंगे लड़के। तो आप
बेटा अगर आपको याद रखना है इसको एक साथ है कि कैसे याद रखें, तो याद रखेंगे टांगे पर उनसे नजरे पड़ी, आसमां सिमटा बादल चमका, एहसान फरामोश मंचली लड़की। कहने का मतलब है कि टांगे पर जो लड़की थी वो मंचली थी। तो आप ध्यान में रखेंगे अगर इसको पूरा आप एक साथ बोलकर समझ लेते हैं तो आप समझे कि 4F सीरीज का एलिमेंट्स और 5F का सीरीज का एलिमेंट जो है 28 एलिमेंट्स को आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।